संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में इन दिनों नकली उत्पादों का गढ़ बन चुका है। जबलपुर में कभी नकली चाय पत्ती, नकली शैंपू तो कभी नकली बीड़ी बन रही है। इस बीच अब जबलपुर क्राइम ब्रांच और लाडगंज थाना पुलिस ने मिलकर गाड़ियों में डलने वाले नकली ऑयल बरामद किए हैं। जिस ऑयल को बरामद किया गया है वह कई बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नाम से यहाँ पर बनाए जा रहे थे। कछपुरा माल गोदाम स्थित क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में नकली ऑयल बरामद किया है। लंबे समय से चल रही थी नकली फैक्ट्री जबलपुर में। जानकारी के मुताबिक कछपुरा माल गोदाम के पास स्थित नकली ऑयल की फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी। खास बात यह है कि जबलपुर में बन रहा नकली ऑयल न सिर्फ यहां लोकल बिक रहा था बल्कि आसपास के जिलों में भी सप्लाई किया जा रहा था। लाडगंज थाना और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मौके से भारी मात्रा में टू व्हीलर और फोर व्हीलर में डलने वाला नकली ऑयल बरामद किया है। पुलिस ने नकली ऑयल फैक्ट्री के संचालक आरके जैन को भी गिरफ्तार किया है। कैस्ट्रॉल, सर्वो सहित कई नामी कंपनियों के मिले डिब्बे और पाउच। दरअसल कंपनी के अधिकारियों ने एसपी को शिकायत कर बताया कि उनकी कंपनी के नाम से जबलपुर में नकली ऑयल बिक रहा है। इतना ही नहीं, हूबहू कंपनी के नाम की पैकिंग की जा रही है, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर कछपुरा माल गोदाम स्थित एक फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी तो पाया कि यहां पर बड़ी कंपनियों के नाम से नकली ऑयल बनाया जा रहा है। फैक्ट्री में नकली ऑयल बनाकर पैक करने की भी मशीन थी। लाडगंज थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने फैक्ट्री में रखे नकली ऑयल के डिब्बे, पाउच और बड़ी बाल्टियां बरामद की हैं। नकली ऑयल बनने के लिए फैक्ट्री में बाकायदा मशीन भी लगाई गई थी, जिससे कि डिब्बों में ऑयल पैक किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने नकली ऑयल की फैक्ट्री को सील कर जांच शुरू कर दी है। सर मैं अकेला हूँ, ये क्यों कर रहे हो, कहना क्या कारण है इसका? ओरिजिनल की भी तो आप एजेंसी लेके कर सकते रहेगा। सर ओरिजिनल की डिमांड तो है मार्केट में, मगर ये क्या सस्ती कैटेगरी का ऑयल मांगते हैं लोग? गांव देहातों में डीजल पंपों में या ट्रैक्टर वगैरह में सस्ती कैटेगरी का ऑयल लगता है। जैसे गियर ऑयल, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गियर ऑयल है 90 नंबर ब्रांडेड ऑयल होते हैं 250-300 रुपये लीटर के। ये हम 90 का देते हैं, 125-120 में बिक जाता है मार्केट में। तो आप तो कैस्ट्रॉल का भी दे रहे हो कैस्ट्रॉल? सर ये सर्वो कैस्ट्रॉल का जो भी आप लेवल देख रहे हैं, कोई अगर पेट्रोल पंप से सर्वो खरीद रहा है और आपके यहाँ से रेट में अंतर है क्या उसके में? सर्वो का मालूम 200 रुपए का ऑयल है, तो आप कितने बेच रहे हो? सर सर्वो के नाम से हम नहीं बेच रहे हैं, ये सर्वो के जो भी लेवल आप देख रहे हैं ये तो लिखा है उसमें। सुनिए तो ये सब एक जगह अभी छापा पड़ा था कुछ दिन पहले, तो उनके यहाँ से ये हमारा पूरा थैला भर के आ गया था रातों रात। ये सभी लेवल बंद हो चुके हैं, कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये लेवल आप जो भी देख रहे हैं आप पता कर सकते हैं कंपनी में जाकर। एक मिनट, ऐसे करो पे पुराना लेवल तो है जी। आप अपना नाम बताएं भैया। अभिषेक जी, ये कट करो। एक मिनट जाओ, ला मुझे बुरे थाना लॉर्डगंज और क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त कार्रवाई अभी हुई है, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि नकली ऑयल जो है वो बेचा जा रहा है डिब्बों में भर के। तो थाना लॉर्डगंज क्षेत्र में गणेश नगर गोधन बस्ती में एक व्यक्ति अभिषेक जैन, तो उसके यहाँ एक वो नकली ऑयल मंगाता था, उसको थोड़ा रिफाइन करके कैस्ट्रॉल के डब्बों में भर के बेच रहा है। तो इस पर अभी हमारी रेड हुई है और कार्रवाई जारी है। कितने डब्बे हैं इसके पास और क्या क्या है इस बारे में, और क्या सामान है, कैसे पैक करता है, सारी प्रोसेस क्या है, इस बारे में मीडिया को आगे अवगत कराया जाएगा। तो जी कांग्रेस नेत्री का बेटा बताया जा रहा है कि इस बारे में कुछ जानकारी लगी, इस तथ्य की जाँच की जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229।